हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मंदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल बच्चों मैं जानता हूं कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं कुछ का कल होगा कुछ का इसी हफ्ते में किसी दिन होगा कईयों का अगले हफ्ते होगा और मैं जानता हूं कि आप थोड़े परेशान भी हो इस चीज़ को लेकर कि यार कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें हमारा एग्ज़ाम अच्छा चला जाए अभी तक हमने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था तो लास्ट मोमेंट पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा पढ़नी चाहिए तो मैं मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जैसे इंपॉर्टेंट डेरीवेशन क्या हैं इंपॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चन क्या हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्या हैं इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट पी

इन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में टॉप टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मिल जाएगा कहीं पीछे चला गया होगा तो मैं दोबारा डाल दूंगा उसको ताकि ऊपर ऊपर आपको मिल जाए और इन सबके वीडियो सोल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ठीक है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इन इनमें से पांच छह के बिना तो पेपर बनता ही नहीं भैया फाइनल एग्जाम का तो जरा ध्यान से सुनो सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे और मोस्ट एक ही बात होता है okay. सबसे क्वेश्चन आपके सिलेबस का है बच्चों थ्योरम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ तीन से पांच नंबर का स्टेट एंड प्रूफ बर्नॉलिस थ्योरम उसके बाद आपका क्वेश्चन है वर्क एनर्जी पावर से जहां पर इलास्टिक कोलिजन के बारे में पूछा जाता है एक फॉर्मूला डिराइव करना होता है इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज की फाइनल वेलोसिटी के लिए और कभी कभी इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो दैट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आर इक्वल इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ठीक है आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा नहीं पढ़ा है तो चैप्टर थोड़ा सा पढ़ के पर क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लेना फिर आता है प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन जो कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ पाथ मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ये सब डिराइव करने के लिए बहुत डिटेल में सारी चीजें करा रखी हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है फिर आता बैंकिंग ऑफ रोड्स का डेरिवेशन जहां पर कि हम लोग वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकालते हैं कि ऑप्टिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए एक की सर्कुलर पे। जल्दी जल्दी कर रहा हूं मुझे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स गैस विच इज कॉल्ड मेयर फॉर्मूला आप ये मान सकते हो कि मैं यहां पर आपको हर एक चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं बस ठीक है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन

इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी का एनर्जी का एक्सेलरेशन का टाइम पीरियड का डेरिवेशन वगैरह टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग स्ट्रिंग या ऑर्गन पाइप दोनों में से कोई भी एक आएगा उसके बारे में बताना होगा उसमें हार्मोनिक्स का एक फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होता है वो डिराइव करके दिखाना होगा मिल जाएगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस आपका जो चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उसके अंदर एक डेरिवेशन है आइडियल गैस के प्रेशर का वन बाय थ्री रो स्क्वायर रो जो है वो गैस की डेंसिटी है सी जो है वो गैस की आरएमएस वेलोसिटी है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके सिलेबस के इन्हें छोड़ के मत जाना इनको जरूर प्रिपेयर कर लेना इनमें से पांच क्वेश्चन आपको अपने फाइनल एग्जाम में दिख जाएंगे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मैं निकलता हूं मुझे पता है आपके पास टाइम कम है मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऑल द वेरी बेस्ट